अतीत की चुनौतियां। सुनहरे क्रिस्टल को पकड़ने के बाद आरव ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की, लेकिन यह शांति अस्थाई थी। गुफा के भीतर की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई और दीवारों पर छाया में छिपे चित्र जैसे धीरे धीरे जीवित होने लगे। चारों ओर से एक हल्की लेकिन गहरी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह आवाज आरव को अतीत की एक खौफनाक परछाई की तरह लग रही थी, जैसे उसे उसके भूतकाल की ओर खींचने का प्रयास कर रही हो। आरव ने चारों ओर देखा। गुफा का पूरा वातावरण बदल गया था। अब वह एक खाली शांत जगह नहीं थी। यह गुफा अब उसे किसी तरह की जटिल और दुर्गम यात्रा की ओर इशारा कर रही थी। तभी उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। यह दरवाजा गुफा की दीवार में समाहित था और उसके ऊपर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ था। उसने लिपि पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी समझ से परे थे। हालांकि उसे इतना एहसास हुआ कि यह दरवाजा उसकी अगली परीक्षा की ओर ले जाने वाला था, एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसे अपने अतीत के सबसे कठिन पलों का सामना करना पड़ेगा। क्या मैं तैयार हूं? आरव ने खुद से पूछा। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह कदम उठाना जरूरी था। बिना अतीत के दानवों का सामना किए वह कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तीव्र रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और उसकी चेतना फिर से किसी और जगह खींच गई। अब वह गुफा में नहीं था, वह खुद को अपने पुराने घर के सामने खड़ा पाया। यह वही घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था, वह जगह जहां उसने अपने माता पिता को आखिरी बार देखा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। घर के सामने का आंगन अब वीरान और सूना लग रहा था। वह जानता था कि यह कोई सामान्य स्मृति नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन हिस्सा था, वह दिन जब उसने सब कुछ खो दिया था। घर के भीतर अंधेरा था। वह अंदर कदम रखता है और अचानक से कमरे के बीचों बीच अपने माता पिता की छवि देखता है। वे दोनों वहां खड़े थे उसके सामने, लेकिन उनकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। उनकी उपस्थिति ने आरव के भीतर छिपे भावनाओं के तूफान को जागृत कर दिया। आरव, उसकी मां की आवाज गूंजती है, दर्द भरी और थकी हुई। आरव की आंखें भर आईं। यह वह पल था जिससे वह हमेशा भागता रहा था। उसने कभी अपने माता पिता की मौत का सामना ठीक से नहीं किया था। वह खुद को उस रात की सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज उसे उस सच्चाई का सामना करना ही था। तुम हमें बचा सकते थे, उसके पिता की गंभीर आवाज उसे सुनाई दी। उनके शब्द उसके दिल को चीरने वाले थे। नहीं, आरव ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी, मैं बहुत छोटा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी आवाज में असमंजस और दर्द साफ झलक रहा था। उसने खुद को वर्षों तक इस गिल्ट से दबाया था कि वह उस रात अपने माता पिता को बचा नहीं पाया। उसकी इस भावनात्मक चोट ने उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया था। तभी कमरे के एक कोने में हलचल हुई और अंधेरे से एक परछाई उभर कर सामने आई। यह एक काले धुंधले आकृति का रूप था, वह भयावह परछाई जो उसके मन के भीतर छिपी थी। यह आकृति उसके डर, गिल्ट और असुरक्षा का प्रतीक थी। तुम्हारा अतीत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, परछाई ने गहरी भयावह आवाज में कहा। तुमने कभी सच्चाई का सामना नहीं किया, तुम हमेशा भागते रहे, लेकिन अब तुमसे भाग नहीं पाओगे। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने उस रात कोशिश की थी, लेकिन मैं छोटा था, यह मेरी गलती नहीं थी। क्या वाकई? परछाई ने उसे उकसाया। क्या तुम सिर्फ खुद को माफ करने के बहाने ढूंढ रहे हो? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सवाल उसे काटने जैसा था। उसने वर्षों तक खुद को दोषी महसूस किया और आज उसे अपनी ही आत्मा से उस दोष का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुफा की यात्रा ने उसे कुछ सिखाया था, वह यह कि सच्चाई का सामना करना और उसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। आरव ने गहरी सांस ली
और शांत स्वर में कहा, हाँ मैं दोषी महसूस करता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि उस रात मैं सिर्फ एक बच्चा था। मैं वह सब नहीं कर सकता था जो मुझे आज लगता है कि करना चाहिए था। यह मेरी गलती नहीं थी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, काले धुंध का आकृति कमजोर पड़ने लगी। उसकी माँ और पिता की छवि भी धुंधली हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर अब शांति की झलक थी। आरव ने महसूस किया कि उसने अपने अंदर छिपी उस गहरी पीड़ा को पहली बार खुलकर स्वीकार किया था। परछाई पूरी तरह से गायब हो गई और कमरे में रोशनी फैलने लगी। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल अब हल्का हो गया था। उसकी अतीत की चुनौतियां अब उसे डराने वाली नहीं थी। उसने उनका सामना किया और उन्हें स्वीकार किया। आरव ने अपने अतीत के सबसे बड़े डर का सामना कर लिया है, लेकिन क्या वह अपनी इस यात्रा में और भी गहरे रहस्यों से रूबरू होगा?